हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख रहे हैं खान का औलिया व्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आप लोगों को लेके आया गोवंडी की सरजमी पे। जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरह से मनाया जाता है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज में गोवंडी में जश्न ईद मिलादुन नबी का क्या कैसा माहौल है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि गोवंडी की सरजमी पे जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल चुका है। तो अभी क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊं गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ये डे में क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा और इंशाल्लाह अज़ल अभी रात में हम लोग बम्बई जाएंगे जो कि मोहम्मद अली रोड में जो जुलूस निकलता है नाइट में वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। का मांगता वो जो मांगता Hello!
سوري
माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल होने के लिए, माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है।
फिर बाबा कौन है क्या ऊंची शान है उसकी सब निशान है सब दिलों की जान है माशाल्लाह गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आने की सूरत में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और इंशाल्लाह अज़ अज़ल अभी हम लोग रात में मोहम्मद अली रोड जाएंगे और वहां का क्या कैसा माहौल रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा।